जय हिंद मित्रों, श्रद्धेय नरेंद्र नीरव जी की कलम से डाला गोलीकांड की अनकही कहानी। निहत्थे सीमेंट मजदूरों पर बर्बर गोलीकांड की घटना 2 जून 1991 को दोपहर बाद 3:20 सोनभद्र उत्तर प्रदेश की डाला सीमेंट फैक्ट्री के कॉलोनी गेट के सामने मुख्य मार्ग पर हुई थी। यह निजीकरण के विरोध में श्रमिकों के सत्याग्रह और सरकारी नरसंहार की विश्व की सबसे बड़ी घटना थी। इसमें कबीराम प्यारे विधि, शैलेंद्र राय, नरेश राम, दीना रामधारी, सुरेंद्र द्विवेदी, नंदलाल, बाल गोविंद, 8 मजदूरों और छात्र राकेश की मौत हुई थी। 50 से अधिक घायल हुए और 100 से अधिक गिरफ्तार हुए थे। कारण था तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा राज्य सीमेंट निगम की डाला चुर्क चुनार की हजारों करोड़ की संपत्तियों को डालमिया इंडस्ट्री को मात्र 1.5 करोड़ में बेचने का अनुबंध। इस अन्यायपूर्ण और अपमानजनक समझौते के विरोध में श्रमिक प्रदर्शन धरना रास्ता जाम कर रहे थे। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री ने मजदूरों पर गोली चलवाने का हुक्म क्यों दिया। लगभग 200-250 लोगों को अन्य तरीके से भी हटाया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था। याद रहे कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का अधिकार किसी हुकूमत को नहीं है। जो सरकार गोली चलवाती है उसे सत्ता में बने रहने का हक नहीं। ज्ञातव्य है कि समाजवादियों की पहली सरकार केरल में बनी थी। पट्टम थानुपिल्ले मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार ने गोली चलवाई जिसमें 4 लोग मारे गए। लोहिया ने उनका इस्तीफा मांगा, सरकार गिर गई, लोहिया पार्टी में अलग थलग पड़ गए। उनके साथ सिर्फ 2 समाजवादी योद्धा बच गए थे, राजनारायण और मधुलिमय। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में भी पुलिस की गोली से 4 मजदूर मरे थे, तब भी समाजवादी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। 2 जून 1991 को रविवार का दिन था। रविवार को डाला में साप्ताहिक बाजार लगता है। हम डाला बाजार से उत्तर में अघोर सेवा सदन में बैठे थे। हमारे साथ अवघड़ साधक अनुराग बाबा अर्थात श्री गीतेश्वर तिवारी और मिर्जापुर से आए राजस्थानी पत्रकार भाई मरुधर सैलानी थे। तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। मेरे मुंह से निकला, यह तो राइफल की आवाज है। लगभग 5 मिनट बाद एक हाफ डाला ट्रक डाला की तरफ से आई। उस पर एक युवक खड़ा था, उसकी कमीज खून से लथपथ थी। वह चिल्ला रहा था, पुलिस गोली चला रही है। उसने मुझे देखकर कहा, पुलिस मजदूरों पर गोली चला रही है, हम अस्पताल जा रहे हैं। मैंने तुरंत कहा, चलिए बाबा नेथानी जी, आप भी चलिए। हम तुरंत निकले। बाजार की सड़कों पर सन्नाटा था। पटरी के कुछ दुकानदार अपनी सब्जियां छोड़कर भाग गए थे। हम घटनास्थल पर पहुंचे तो बाइक खड़ी करके आगे बढ़े ताकि उग्र पुलिस वालों को रोक सके। मुझे सब जानते थे। तभी वहां युवा इंस्पेक्टर अरुण सिंह आ गए। एक पुलिस वाला जो गोलियां चला रहा था उसने ललकारा, एक कदम भी आगे बढ़ोगे तो गोली मार देंगे। एक नीली बस जो किसी फैक्ट्री की थी हमारे बगल में आकर अचलेश्वर मंदिर के नीचे पथरीले दीवार में फंस गई। अरुण जी मुझे पकड़कर बस के पीछे ले गए। तब लगभग 4 बजे थे, गोली बंद हो चुकी थी। घटनास्थल पर पहुंचते ही पता चला कि अनपरा की नीली बस में 4 लाशें गायब की गई। 4 लाशें डाला फैक्ट्री के अस्पताल में। हम अस्पताल गए, वहां मेरे पड़ोसी शैलेंद्र राय की भी लाश थी। हम कॉलोनी में आए तो स्त्री पुरुष और बच्चे पलायन कर रहे थे। मैंने उन्हें रोककर कहा, कॉलोनी खाली मत कीजिए, वे कब्जा कर लेंगे। हम सेक्टर 1 पहुंचे तो एक आवाज से रोने की आवाज आई। एक घायल दर्द से रो रहा था। मैंने पूछा, बाइक पर बैठ जाएंगे, बोले नहीं। मैंने आवाज के अफसर से पूछा, कोई है जो इन्हें पकड़कर ओबरा अस्पताल तक जा सके। अफसर घर में कर्मचारी था। तभी बगल के घर से किसी ने बाहर निकलकर कहा, एक घायल यहां भी है, इसकी हालत ज्यादा खराब है। मेरी बाइक पर और सैलानी की बाइक पर एक एक घायल लेकर हम ओबरा अस्पताल पहुंचे। वहां पूरी गैलरी घायलों से पट्टी थी, चिकित्सक इलाज कर रहे थे, बिजली कर्मचारी रक्तदान के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। तभी मैंने एक बेड पर सुंदर छात्र राकेश तिवारी को देखा। उसने बात की, शरीर कंबल से ढका था। मैंने कहा, ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा, गोली पेट के नीचे लगी अंकल, राकेश की जान नहीं बचाई जा सकी। उस निर्दोष युवा शहीद का चेहरा नहीं भूल पाता। हम ओबरा लौटते हुए पंडित सुदामा पाठक जी से मिले, वे भी घबरा गए। फिर लौट कर हम कुशवाहा साहब के बंगले पर गए। वहां सभी अफसर और कुशवाहा साहब बैठे थे। मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने कहा, नीरव जी अस्पताल में 4 लाशें हैं, उनका मेमो पुलिस स्टेशन में देना है। पुलिस हमें धमकी दे गई है, बाहर निकले तो खैरियत नहीं, आप ही यह काम कर सकते। मैंने कहा, कोई एक अफसर मेरे साथ चले। तब सभी ने मौन साध लिया, लेकिन राठौर नाम के युवा अफसर ने कहा, मैं चलता हूं, हम कार से नहीं जाएंगे, आपकी काली कार को पुलिस पहचानती है। मैंने कुशवाहा जी को बताया कि मैंने पाठक जी को सब बता दिया। उन्होंने कहा, थैंक यू नीरव जी। हम राठौर के साथ मेमो लेकर बाइक से चौकी जाते समय
एसपी साहब को बताया कि मेमो देने जा रहे हैं। चौकी पहुंचे, वहां लगभग 150 कर्मचारी बंद थे। वे मुझे देखते ही कहने लगे, हम लोग तो ड्यूटी जा रहे थे या आ रहे थे। दीवान जी मेरे परिचित थे, मैंने कहा मेमो लीजिए, अस्पताल में 4 लाशें। दीवान जी ने मना कर दिया, बोले कप्तान साहब घटनास्थल पर है, उन्हें दे दीजिए। मैंने कहा उन्होंने ही आपको देने को कहा है। मैंने चौकी जाने से पहले कप्तान को बता दिया था कि मेमो देना है, वे भी मुझे जानते थे। दीवान जी ने मेमो लिया और मैंने मुहर भी लगवाई, राठौर साहब को छोड़ दिया। फिर मैंने दीवान जी से कहा, रोज तो मुझे चाय पूछते हैं, आज एक अनुरोध सुन लीजिए, ये जो 150-200 बंद हैं वे बेकसूर हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, बेचारे फंस जाएंगे। दीवान जी ने धीरे से कहा, बेकसूर हैं तो कह दीजिए धीरे से निकल जाएं। मैंने मजदूरों से कहा कि धीरे से पीछे की तरफ से निकलो, लगभग 100 निकल गए। तभी दीवान जी बाहर आए और कड़क आवाज में बोले, यह क्या हो रहा है, चलो सब अंदर। बाकी जो बच गए उन्हें जेल भेज दिया गया। मैं घटनास्थल पहुंचा तो कप्तान साहब बैठे थे, जवान उनको घेर कर खड़े थे। मैंने कहा, 4 लाशें नीली बस में गायब हैं, कुछ लाशें नाले में हो सकते हैं। कप्तान ने बेरुखी से कहा, नाले में खोजिए। उस वक्त पत्रकार मुक्ति भट्टाचार्य वहां मौजूद थे, अन्य पत्रकार और फोटोग्राफर नहीं दिखे। तभी वह नीली बस आ गई जिसमें 4 लाशें थी। अनुराग जी सच्चे अवघड़ थे, उन्होंने ही शव को पलट कर दिखाया, 100 कभी राम प्यारे वीत की थी। मैं फपक कर रोने लगा। घटनास्थल के पीछे का पहाड़ी नाला खतरनाक और अपरिचित था, जिसमें झाड़ियां और काई थी। कप्तान ने टार्च देने से मना कर दिया। यह नाला आज भी शहीद स्थल के पीछे है, इसमें कहुआ के 2 विशाल पेड़ हैं। मैं छोटी सी निजी टार्च लेकर पूरा नाला खंगालता रहा। मुझे सेक्टर सी के हनुमान मंदिर के पास शहीद रामधारी की लाश मिली। एक बात और थी कि जितने घायल लोग ओबरा और बनारस भेजे गए उनमें सिर्फ राकेश की मौत हुई। यह दुख उनके पिता श्री पन्नालाल जी की बहन बन्नी, फौजी भाई ओम प्रकाश और डाला के लोगों को बहुत अखरता है। ओबरा के बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, डाला के भूमिगत श्रमिकों को शरण दी, उनकी मदद अनमोल है। घटना के दूसरे दिन पुलिस ने कॉलोनियों में धमकाया, आवाज खाली कराना शुरू किया। डीजीपी आए, मैं संयोग से उनसे फैक्ट्री गेट पर मिल गया। मेरे अनुरोध पर उन्होंने बिजली पानी की सप्लाई चालू रखने, कॉलोनी में पुलिस का दमन चक्र बंद करने का आदेश दिया। गोली काट के 3 दिन बीत गए। 800 रॉबर्ट्सगंज में पोस्टमार्टम के बाद रखे हुए थे। 4th दिन मेरे आवास पर डाला पुलिस के प्रभारी पहुंचे, बोले रॉबर्ट्सगंज से 54 घाट पर पहुंच रहे हैं, आप उनके घर वालों को बताकर अंतिम संस्कार करा दें, अन्यथा हम प्रवाह करा देंगे। मेरे कॉलोनी के लोगों ने दरोगा को घेर लिया। अन्य डालावासियों की बात उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। मैंने तुरंत दरोगा को वापस भेजा कि फैक्ट्री गेट पर गया। महादुद्धि के सीओ राय साहब ने कहा कि 1 लाश के साथ 1 रिश्तेदार जा सकता है। मैंने कहा कंधा तो कम से कम 4 लोग देते। थोड़ी देर बाद वे मान गए। शहीदों के परिवार वाले भी थे, राय साहब संवेदनशील इंसान थे, तब भी उन्होंने कहा सीआरपी के जवान साथ रहेंगे, कोई गड़बड़ी हुई तो सख्त कार्रवाई करेंगे। हम 54 घाट की ओर जा रहे थे, तभी रेणुकूट से भारतीय मजदूर संघ के कुछ साथी आए, बोले हम लोग कुछ मानवीय सहायता करने आए, आप कहिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा अंतिम संस्कार के लिए 54 घाट पर 1 ट्रैक्टर लकड़ियां भेज दीजिए। उन्होंने 54 से घाट पर जलावनी भेज दी। मैं बाइक से घाट पर पहुंच गया, 1 ट्रक में 100 रखे थे। गर्मी में भयानक दुर्गंध फैल रही थी। वहीं 54 के पत्रकार सुनील तिवारी भी अपनी बाइक से आ गए, और कोई नहीं, शहीदों के परिवार का भी नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ क्यों अंतिम संस्कार में नहीं थे लोग। मैंने बाइक से सवाहन तक जाने का प्रयास किया, पीछे सुनील भी अपनी बाइक से, लेकिन निकट पहुंचते ही दुर्गंध से मुझे उल्टी होने लगी, बाइक गिर गई। सुनील ने बाइक सीधी की और मैं संभल कर ऊपर पुल पर आ गया, सुनील भी आ गए। हम रेलिंग पकड़कर सवाहन को देख रहे थे। एक सफाई कर्मी थे, मुंह ढका था, एक व्यक्ति दाढ़ी वाला मुंह में गमछा बांधे, वह थे राम निवास भारती। यह श्रमिक नेता हमारी समाजवादी यूनियन सीमेंट उद्योग लोक मजदूर सभा का महामंत्री था, जिसने डालमिया से समझौते का समर्थन किया था। हमने उन्हें हटाकर राम बलि को महामंत्री बनाया था, लेकिन शहीदों के अंतिम संस्कार में दुर्गंधित शवों को उतार कर दाह संस्कार में सिर्फ 4 लोग थे, सुनील तिवारी, राम निवास भारती और अज्ञात सफाई कर्मी। मैंने मन में निश्चय किया कि
कि राम निवास भारती के इस निर्लिप्त सेवाभाव के लिए उनका सदैव ऋणी रहूंगा। तभी एक भारी विपत्ति आ गई। भारी वर्षा होने लगी। खोरवा पर बाल घिरे तो बरसने लगे। सारी लकड़ी और शहीदों का सब भीग गया। भारती ने इशारा किया, मैं तुरंत भाई धर्मराज सिंह भगेल के आराम सीन पर पहुंचा। उन्हें सारी पीड़ा बताई। वे एक नेक इंसान है, दानशील। उन्होंने कर्मचारियों को आवाज दी और एक ट्रैक्टर सूखी लकड़ी भेज दी। सूर्यास्त हो रहा था, बादल निबुक गए थे। एक साथ 800 भस्मीभूत हुए। जलती हुई चिताएं शांत हो गई, लेकिन उन चिताओं की लपटें मेरी आंखों में अब भी जलती हैं जब चौपन पुल के उत्तरी तट में शमशान को देखता हूं।